गुड मॉर्निंग डियर ऑल, वेलकम यू ऑल इन BNPS क्लासेस। हम क्लास फर्स्ट का जो है मंथन यानी कि वैल्यू एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उसका सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं पूरा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सेकेंड चैप्टर है वो है मी एंड माई फैमिली, मैं और मेरा परिवार। क्या कहा जा रहा है इसमें? ये एक छोटी सी लड़की है, ये क्या कह रही है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। माय नेम इज रीटा, मेरा नाम रीटा है। आई एम 6 ईयर ओल्ड, मैं 6 साल की हूँ। आई रीड इन फर्स्ट क्लास, मैं क्लास फर्स्ट में यानी कि प्रथम कक्षा में पढ़ती हूँ। आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी जग जाती हूँ। आई लाइक टू बी पंक्चुअल फॉर माई स्कूल, मैं स्कूल जाने के लिए पंक्चुअल हूँ यानी कि टाइमिंग सही टाइम पे जाती रहती हूँ। आई ट्राई टू स्टे नीट एंड टीडी, मैं साफ और स्वच्छ रहने की कोशिश करती हूँ। आई डू माई होमवर्क रेगुलरली, मैं अपना प्रतिदिन का होमवर्क करती रहती हूँ। आगे है My family is small, मेरा परिवार जो है बहुत छोटा है। There are 6 members in my family, मेरे परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, 6 लोग हैं। कौन कौन से हैं? My grandparents यानी कि मेरे दादा दादी, my parents मेरे माता पिता, and my younger brother और मेरा एक छोटा भाई। ठीक है, My father is a doctor, मेरे पिता एक डॉक्टर हैं। आगे क्या कह रहा है? He is sincere and hard working, वह अपने काम के प्रति बहुत ही क्या है, सिंसियर है और अपने कठिन परिश्रम से वो कार्य करते हैं, कठिन परिश्रम में कार्य करते हैं। He earns money to run the family, वह अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार के जीविका के लिए वह पैसे कमाते हैं। ही ऑलवेज फुलफिल आवर नीड्स, और वो हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आगे, माई मदर इज़ अ सिंपल हाउस वाइफ, मेरी माता एक गृहिणी है, साधारण सी गृहिणी है जो घर का कार्य करती हैं। शी कुक्स द फूड फॉर द होल फैमिली, वह हमारे पूरे परिवार के लिए भोजन यानी कि खाना पकाती हैं। शी हेल्प मी इन माई स्टडी, और मेरे पढ़ाई में मेरी मदद करती हैं। माई ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर आर ओल्ड, मेरे दादा और दादी जो है बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हैं। दे आल अस डिफरेंट स्टोरीज, वे हमें अलग अलग तरह के कहानियाँ सुनाते हैं। वी आल रिस्पेक्ट देम, और हम सभी उनकी आदर करते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, आज रिवाइज भी कर लिया, इसके आगे आज हम पढ़ते हैं फिर से। लिखा है माई यंगर ब्रदर इज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, मेरा जो छोटा भाई है वो केवल 2 साल का है। आई लव टू प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलना पसंद करती हूँ। माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड हार्टेड, मेरे माता पिता जो है बहुत दयालु हृदय के हैं, दया हृदय वाले हैं। माई पेरेंट्स लव मी एंड केयर फॉर माई हैप्पीनेस, मेरे माता पिता जो है मुझे प्यार करते हैं और मेरे खुशियों के लिए, खुशियों का केयर करते हैं। ठीक है, दे टीच मी गुड मैनर्स, और वे मुझे अच्छी आदतें सिखाते हैं। आई लव माई पेरेंट्स एंड मेक देम हैप्पी बाई ओबिंग देम, मैं अपने माता पिता से प्यार करती हूँ और मैं उन्हें उनकी उनको खुश देखता हूँ। खुशी मतलब जैसे वो लड़की कह रही है, मैं उनको खुश में खुशी देखना चाहता हूँ और उनकी आदर करना चाहता हूँ, आदर करती हूँ, सॉरी आदर करती हूँ, आदर और खुशी देती हूँ। रिस्पेक्टिंग देम एंड हेल्पिंग देम, उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ और कार्य करने में मदद करती हूँ। एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। माई यंगर ब्रदर इज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड, मेरा जो छोटा भाई है वो 2 साल का है।
आई लव टू प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ खेलना पसंद करती हूँ। माई पेरेंट्स आर वेरी काइंड हार्टेड, मेरे माता पिता जो है बहुत ही दयालु हृदय के हैं। माई पेरेंट्स लव मी एंड केयर फॉर माई हैप्पीनेस, मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी खुशियों की परवाह करते हैं, केयर करते हैं। दे टीच मी गुड मैनर्स, वे हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं। आई लव माई पेरेंट्स एंड मेक देम हैप्पी, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ एंड मेक देम हैप्पी और मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। बाई इसके द्वारा खुश देखना चाहती हूँ, ओबिंग देम मतलब उनकी आज्ञा का पालन करके उनको खुश करना चाहती हूँ, रिस्पेक्ट देम उनकी आदर करके खुश करना चाहती हूँ और उनकी मदद करके खुश करना चाहती हूँ। आप लोग अपने माता पिता के काम में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, और वो अगर जो कोई बात कहते हैं तो आप उनको मतलब उस बात को मानेंगे तो वो ओबिंग होगा और उनकी जब आदर करेंगे तो वो रिस्पेक्ट होगा और यही ये लड़की चाहती है अपने माता पिता को देने के लिए। तो ये कहानी आज ये ख़त्म होता है, बहुत ही सुंदर कहानी था ये। बाकी का क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको जो है PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।